दोस्तों, तेजी से बदलती दुनिया में जब सब कुछ तेजी से हो रहा है तो क्रिकेट क्यों नहीं। क्रिकेट में तेजी ने जन्म दिया है T20 क्रिकेट को, जिसे अभी तक साल 2017 से ऑर्गेनाइज किया है अबू धाबी ने, अबू धाबी T20 लीग के नाम से, और साल 2023 में जिम्बाब्वे ने जिम एफ्रो T20 लीग का आगाज किया है। USA में भी T20 क्रिकेट ने अपना जलवा दिखाया और अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ट्रायल बेसिस पर T20 मैचेस करवाने का ख्वाहिशमंद है। मैचेस कब होंगे, कितने होंगे, कहाँ होंगे, कौन खेलेगा, क्या इंटरनेशनल प्लेयर्स अवेलेबल होंगे और कौन सी गैर मुल्की टीम इन T20 मैचेस में हिस्सा लेगी, सब बताते हैं। बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन जका अशरफ पाकिस्तान में T20 क्रिकेट की दाग बेल डालकर पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कुछ नया करना चाहते हैं और अपना नाम पाकिस्तान क्रिकेट में हमेशा याद रखवाना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने पाकिस्तान में T20 क्रिकेट को लाने का फैसला कर लिया है और ट्रायल बेसिस पर न्यूजीलैंड की सीरीज के बाद 6 T10 मैचेस कंडक्ट करवाने का प्लान दिया है रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में। न्यूजीलैंड की सीरीज के बाद पाकिस्तान के तमाम वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स अवेलेबल होंगे। सीपीसीबी ने न्यूजीलैंड की सीरीज के बाद और PSL 9 के स्टार्ट से पहले ये ट्रायल मैचेस करवाने का फैसला किया है। इंटरनेशनल प्लेयर्स की जहां तक बात है, सिलसिले में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इंग्लिश काउंटी मिडिलसेक्स के साथ कॉन्टेक्ट किया है और रोशन इम्कान है कि मिडिलसेक्स अपनी टीम को इस ट्रायल सीरीज में हिस्सा लेने के लिए पाकिस्तान भेजेगी। बाकायदा पाकिस्तान की T10 लीग का नाम क्या होगा, कब से रेगुलर स्टार्ट होगी और कितनी टीम्स होंगी, इसका फैसला इन ट्रायल मैचेस में पब्लिक रिस्पांस देख के किया जाएगा। दोस्तों, क्या आपके ख्याल में पाकिस्तान में T10 क्रिकेट वो मकबूलियत हासिल कर पाएगी जो T20 क्रिकेट को हासिल है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।